अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, इस्लामी नया साल 1444 शुरू हो चुका है। माह मुहर्रमुल हराम अजमत एहतराम वाला महीना है। इसमें 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे की बड़ी फजीलत है। रमजान शरीफ के बाद जिस रोजे की ज्यादा फजीलत अहादीस में आई है वो माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यानी आशूरा का दिन है। और इस एक रोजे की वजह से गुजरे हुए एक साल के गुनाहे सगीरा माफ हो जाते हैं। इसी के साथ 9वीं और 11वीं तारीख का रोजा रखना भी मुस्तहब है। आशुरा के अलावा इस पूरे महीने में भी रोजा रखने की फजीलत अहादीस में वारिद हुई है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तरीन रोजे रमजान के बाद माह मुहर्रम के हैं और फर्ज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। इसी तरीके से ये भी बताया गया है कि अगर एक रोजा भी इस माह में रखे तो एक रोजे के बदले में 30 रोजों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया जाएगा। सही मुस्लिम शरीफ की अहादीस है। एक और हदीस पाक है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूद को यौम आशूरा का रोजा रखते देखा तो पूछा, तुम इस दिन क्यों रोजा रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये अजमत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और उनकी कौम को नजात दी और फिरौन और उसकी कौम को डुबो दिया। तो हजरत मूसा ने बतौर शुक्र इस दिन का रोजा रखा, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। तब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा से तुम्हारी निस्बत हम ज्यादा करीब हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबे किराम को भी इसका हुक्म दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम माह मुहर्रमुल हराम में चाहे तो एक मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक या सिर्फ 10वीं मुहर्रम को या 9, 10, 11 इन तीनों तारीखों में रोजा रख सकते हैं। बड़ी फजीलत है। सिर्फ एक रोजा रखने की फजीलत इतनी है कि 30 रोजों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। और यौम आशूर का रोजा रखेंगे यानी 10वीं मुहर्रम का तो एक साल जो गुजर चुके हैं उसमें अगर छोटे छोटे गुनाह हुए हैं तो उन छोटे गुनाहों का भी वो फिदिया कफारा बन जाएगा, लिहाजा रोजा रखें। अब ये तारीखें 9वीं, 10वीं और 11वीं मुहर्रमुल हराम कब होगी तो इस साल यानी 2022 8 अगस्त तो बरोज पीर को 9 मुहर्रम है, 9 अगस्त तो बरोज मंगल को 10 मुहर्रम है और 10 अगस्त तो बरोज बुध को 11 मुहर्रमुल हराम है। ये दिन तारीख आप अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए अब 8, 9, 10 8 अगस्त तो बरोज पीर को सहरी का जो आखिरी वक्त होगा वो 4:45 और इफ्तार का वक्त तो 5 इफ्तार का जो वक्त होगा वो 7:11 या 12 होगा। इसी तरीके से 9 अगस्त तो बरोज मंगल जो 10 मुहर्रमुल हराम है तो यह सहरी का आखिरी वक्त 4:45 या 46 और इफ्तार का वक्त 7:11 या 12। 10 अगस्त तो बरोज बुध 11 मुहर्रमुल हराम सहरी का आखिरी वक्त 4:45 या 46 और इफ्तार का वक्त जो शुरू होगा वो होगा 7:11 या 12। फिर भी आप कैलेंडर में देख ले तो ये सहरी का और इफ्तार का
इन तीनों दिनों का ये मालेगांव के लिए टाइम है, आप इसे याद रखें। नियत रोजों की बिल्कुल इसी तरीके से करें, नियत की मैंने माह मुहर्रमुल हराम के रोजों की, ये इसकी नियत हो जाएंगी। सहरी कर लेना ये भी नियत है, और इन दिनों में खुराफात से, ढोल बाजे तमाशों से बचे। इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलात वसलाम शोहदाए करबला की बारगाह में खूब से खूब खिराज अकीदत पेश करें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र असकार करें, महफिलें मुनाकिद करें, दुआएं पढ़ें। मजीद डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर मैसेज करें, मजीद मालूमात आपको दी जाएंगी।